रेट उट के बारे में कुछ बताइए। दो पीस मीट चावल 140 रुपया है जी। अच्छा, कलेजी भी खिलाते हैं सुना है, वो भी चार पीस कलेजी रोटी 140 रुपया। ये हैं ऑनर साहब और इन्हीं की देख रेख में जो है ये मीट बना हुआ है। इसके अलावा ये एड्रेस वगैरह क्या हुआ? वही है, पेट्रोल पंप गांधी मैदान अंटा घाट सब्जी मंडी। अच्छा अच्छा, सब्जी मंडी के पास में अंटा घाट के पास ये इनका होटल, होटल का नाम जो है आप ये देख सकते हैं मतवाली होटल। और आपका नाम क्या हुआ भैया? मतवाली। अरे इन्हीं अपने ही नाम पर रखे हुए हैं ना। चलिए बढ़िया है भैया। ठीक है, तो चलिए आप दिखाइए ज़रा मटन बना के आप। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कढ़ाई जो है रेडी हो चुका है, गर्म हो गया है और इसमें अब पड़ रहा है तेल। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं भैया? स्टोव। तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? स्कूटी। अच्छा, तो देखिए अब तेल जो है गर्म हो चुका है और इसमें अब पड़ेगा क्या प्याज? कितना प्याज डाल रहे हैं? एक किलो होगा अभी, एक किलो होगा। तो टोटल अभी प्याज कितना डलेगा उसमें पूरे पूरे मीट में? सात के जी प्याज पड़ेगा। तो अभी क्या ये मसाला वगैरह बना रहा है ना? अच्छा, बिरयानी के लिए। बिरयानी के लिए जी, इधर घुमा दीजिए। तो बगल में जो है ये आप देख सकते हैं ये अलग डेग रखा हुआ है इसमें, और आप देख सकते हैं इसमें अब पड़ रहा है क्या डाल रहे हैं इसमें आप? हरी मिर्च पत्ता, और इसके अलावा गया इसमें तेज पत्ता। अब अगला आइटम जो पड़ा है ये नमक। नमक सब अंदाजा लगा के डालते हैं ना। अब अगला आइटम जो पड़ा ये हल्दी। ये अगला जो पड़ा क्या है? ये बोले की ये आप देख सकते हैं लहसुन का पेस्ट है। हाँ, ये क्या पड़ा इसमें? हल्दी। क्या ये मिर्चा पाउडर आप डाल रहे हैं? ये मिर्च। इसके बाद पड़ा ये धनिया पाउडर ही ना है। हाँ, धनिया पाउडर। ये देखिए अब जो है थोड़ी ही देर में, बाकी अब इसमें कुछ पड़ने वाला नहीं है, थोड़ी देर में ये मसाला जो है तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा ताकि इसको आसानी से चलाया जा सके, है ना। सबसे पहले चुस्ता आया है तो इसका जो पलटाई वगैरह होता है साफ़ सफाई ये सब हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको साफ किया जा रहा है। कितना चुस्ता अभी है? वो दो अढ़ाई किलो है। पीस कितना होगा? 5-6 पीस होगा। और क्या, 5-6 पीस चुस्ता है। पे जो बिरयानी पड़ने वाला था ये देखिए ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये आप देखिए ये प्याज जो है लगभग रेडी हो गया है ना, और इसमें अब जो है चुस्ता ये पड़ने वाला है। ये आप देख सकते हैं ये है चुस्ता गया। कई बार क्या होता है कि कई लोग बाद में डालते हैं और कई लोग पहले डालते हैं, तो इनका जो है बनाने का तरीका ये है कि भाई ये पहले ही डालते हैं। और ये इसके अलावा लर देखिए आप, लर और चुस्ता दोनों गया इस डेग में। इसके अलावा चर्बी, ये थोड़ी देर प्याज है जो है गलने के बाद ये जो चुस्ता पड़ा हुआ था तो इस तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे बस थोड़ी देर और चलने के बाद ये जो है अब इसमें मीट पड़ेगा। ये देखिए अब जो है मीट डलना शुरू हो चुका है, मसाला कुछ थोड़ी देर में पक गया है और ये भाई साहब अब जो है मीट डाल रहे हैं। ये देखिए ये पूरा जो है मटन इसमें डल गया है। हाँ जी, ये देखिए तो अब जो है मसाला डालने का तैयारी हो चुका है। और क्या डालेंगे अभी आप? मसाला डालेंगे, जो पहले जो बिरयानी हुआ था वो मसाला अब डलेगा। ये गया इसमें, इनका डाला है। और क्या क्या डालेगा भैया इसमें? अभी लास्ट में डाला गरम मसाला गुलकी जीरा। अभी देखिए ये पूरा मीट जो है मसाले में पूरा मिल चुका है, और ये देखिए बड़ा सा चुस्ता। वाह, अब कितने देर लगेगा बनने में इसको? अभी एक घंटा और लगेगा तब जाके पूरा जो है मीट तैयार हो जाएगा। ये अब जो है इसका रंग आना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा। गर्म पानी क्यों डाल रहे हैं भैया?
है? गरम पानी छोड़ेंगे तब ना रोगन बनेगा, रोगन बनाने के लिए है ना, लाइट आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको ये किया जा रहा है। जिसको जो भी चाहिए वो पसंद करके ले सकता है ना भैया, इसको जैसा भी पीस चाहिए वो अपना पसंद करके बिल्कुल ले सकता है। बिल्कुल, ये है जी बिहार का सबसे फेमस डिश चुस्ता। क्या डाला ये? गरम मसाला और गुलकी जीरा। जी ये लास्ट आइटम था क्या? एक आइटम और, एक आइटम और। सबसे बड़ा बात ये जो है, देखिए भाई ये अमूल का जो है बटर डल रहा है इसमें, टेस्ट को बढ़ाने के लिए ना जी, टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये डाला जा रहा है। बाकी इसके अलावा आप जो है ये देखिए पूरा गया बटर। अब थोड़ी देर में और जो है ये गया बटर, देखिए थोड़ी देर में थोड़ा सा ये गल जाएगा तो फिर इसके बाद इसका लास्ट का रोगन देखेंगे कि भाई ये कैसा दिख रहा है। हाँ तो भैया ये देखिए पूरा फाइनल होके मटन जो है रेडी हो चुका है और इसका रोगन देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लाजवाब है। अरे बाप रे, लाजवाब मीट। इनसे रिव्यू लेते हैं। हेलो भैया, कैसा है इनका मटन? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, पहली बार आ रहे हैं या फिर आप? नहीं, हम लोग रेगुलर आते हैं। आप लोग रेगुलर कस्टमर हैं, ये आप देख सकते हैं। और भैया आप? रेगुलर आते हैं हम लोग, साथ में ही हैं। तो कैसा है मटन? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, चलिए भाई और आगे चलते हैं। लोग तो रिव्यू अच्छा दे रहे हैं। और भैया ये तो साफ कर गए जी। हेलो भैया, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह जी। तो कैसा है मटन आपका? मटन बहुत टेस्टी होता है इनका, इनका जो है मटन काफ़ी बढ़िया है। अभी आप? बस बढ़िया है एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है कि भाई लोगों का रिव्यू अच्छा आ रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ, कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट का बहुत ही है, कोई कमी उसमें? कोई कमी ना, आज 18 साल से खाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब नमक वमक सब ठीक? दाम एक नंबर दाम। आप तो भाई सादा खाना ही खा रहे हैं, क्यों? हम लोग सादे खाते, सादे खाते हैं, ठीक है। सादा खाना भी इनका बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। चलिए तो भैया ये देखिए अपना जो है प्लेट आ चुका है और इसके साथ जो है पहले देखिए क्या क्या मिला हुआ है। ये हुआ अपना मीट और साथ में आपको चटनी भी एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके साथ। ये प्याज और ये चावल है, चावल भी मोटा नहीं है, ठीक है, चावल बिल्कुल एवरेज में है। और इसके अलावा क्वांटिटी भी देख सकते हैं पूरा, ये एक आदमी आराम से खा